हेलो। हेलो मिस्टर आकाश। जी हाँ, आप कौन? मैं सपना बोल रही हूँ। एक्चुअली आपसे कुछ बात करना था। सपना जी बोलिए, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि कल आपके भैया और भाभी आए थे हमारे घर आपका रिश्ता लेकर। हाँ, भाभी ने मुझे बताया था इस बारे में। मैं आपसे आज मिलना चाहती हूँ, हमारी शादी को लेकर कुछ बात करनी थी। सपना जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता आपसे। आपको जो भी बात करना है तो प्लीज मेरे भैया और भाभी से कीजिए। अजीब इंसान हो आप, शादी मैं आपसे करूंगी और बात भैया भाभी से। अरे आप तो नाराज हो गई, बोलिए कहाँ मिलना है? बेग बगान क्वेस्ट मॉल के पास। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ओके बाय बाय। सपना। मिस्टर आकाश। जी हाँ, कम इनसाइड। कोई कैफे में चलकर बात करते हैं? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, हम लोग यहीं बात करते हैं। एज योर विश, बोलिए क्या बात है? बाय द वे आप काम क्या करते हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप एक एम्प्लॉय हो। क्या मैं आपका मंथली इनकम जान सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। 35,000। Only 35,000? By the way, आपको किस टाइप की लड़की चाहिए? Good question. मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर का सारा काम करे, मुझे टाइम टू टाइम खाना बनाकर खिलाए, मेरे फैमिली को और मेरा ख्याल रखे, और क्या? अच्छा, तो फिर आपको बीवी नहीं नौकरानी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हो। बस मुझे सब समझ में आ गया, आपको जिस टाइप की लड़की चाहिए मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ओके मिस सपना, एज योर विश। बाय द वे आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। इस गाड़ी में कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैडम आपको कहाँ जाना है? आप कौन हो, मैं आपको क्यों बोलूं? एक्चुअली मैं रैपिडो चलाता हूँ, अगर आपको कहीं जाना हो तो जा सकती हो, फेयर दे देना। बालीगंज प्लेस। ठीक है चलिए। Thank you.
भाई साहब कितना हुआ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली मैडम मैं रैपिडो ड्राइवर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल स्कूटी है। आपको वहाँ परेशान देखा तो सोचा हेल्प कर दूँ। वाह आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल आप जैसे लोग मिलते कहाँ हैं? अगर आप चाहे तो हम दोबारा मिल सकते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। ओके बाय। बाय। हेलो। हेलो मिस्टर रैपिडो, क्या आज आप फ्री हो? अरे मैडम आप बोलिए कहाँ जाना है? एक्चुअली मुझे चाय पीना है, क्या आप मुझे कंपनी दोगे? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं अभी आता हूँ, मगर आना कहाँ है? शॉर्ट लेक कैफे। ठीक है मैं आता हूँ। बाय। बाय। अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए। वेटर। यस मैम। टू कप चाय। सॉरी मैम रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है। एक्चुअली मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया, प्लीज। अच्छा ठीक है मैम। मैडम। मैडम नहीं सपना। और आपका? रोहन। बाय द वे तुम कुछ कह रहे थे। एक्चुअली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे बारे में? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, फिलहाल मैं मॉडलिंग फोटोशूट और शॉर्ट फिल्म का काम कर लेती हूँ। अच्छा तो फिर आप एक एक्ट्रेस हो, क्या मैं आपका शॉर्ट फिल्म देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं जरूर। आप यूट्यूब पर जाकर बावा फिल्म सर्च करना, मेरे 10 से 12 शॉर्ट फिल्म है। और हाँ पागलपंती जरूर देखना, 51 मिलियन व्यूज हो गया और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। वाओ 51 मिलियन, कांग्रेचुलेशन, मतलब मैं एक सेलिब्रिटी के साथ हूँ। ड्रीम तो वही है, बस एक बार बॉलीवुड में चांस मिल जाए। वैसे आप क्या करते हो? मैं एक एजेंट हूँ, लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ। मंथली इनकम 15-35,000 हो जाता है। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? दरअसल बात ये है सपना जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ मतलब आप कहना क्या चाहते हो? हमें आपसे प्यार हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? What? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? शादी वो भी तुमसे? कहाँ तुम और कहाँ मैं, एक मामूली सा एजेंट? प्लीज ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर सुसाइड मत कर लेना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अजीब इंसान हो, इतना कुछ सुनने के बाद भी यहाँ बैठे हो। पूरा मूड खराब कर दिया। हेलो
मैं दारू एंटरटेनमेंट से मैनेजर बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? हमारे डायरेक्टर ने आपको सिलेक्ट किया है, आप जल्द से जल्द हमारे स्टूडियो में आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। May I come in, sir? Yes, coming. बैठिए। ये 5 फोटो आपने जमा किया था? जी हाँ। मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया है हमारे अपकमिंग हिंदी मूवी के लिए। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैडम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? आपको जो एडवांस चेक मिलेगा उसका 50% मुझे भी चाहिए। ओके, डन। ये फोटो लेकर आप सेकंड फ्लोर चले जाएं प्रोड्यूसर के रूम पे। ओके। हेलो सर, एक मॉडल को ऊपर भेजा है, पहली वाली से बेटर है। क्या नाम है? सपना गुप्ता। ओके ओके। मे आई कम इन सर? Yes, come in. Miss Sapna? Yes, sir. पोर्टफोलियो लाई हो? हाँ, ये लीजिए। हल्का सा लेफ्ट टर्न, पीछे घूमिए, ओके। पहले कभी काम किया है आपने? हाँ सर, शॉर्ट फिल्म पर। ठीक है, मुझे लिंक व्हाट्सएप कर देना। सर आपका नंबर? 9748607717। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ स्टार बनने का, बदले में मुझे क्या मिलेगा? सर मैं हीरोइन बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। स्मार्ट गर्ल, बहुत जल्दी समझ गई।
सपना तुम यहाँ इस वक्त? ऋषभ जी, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज मतलब? आई एम प्रेग्नेंट, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। व्हाट? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? शादी, वो भी तुमसे? कहाँ तुम और कहाँ मैं, एक मामूली सा जूनियर आर्टिस्ट। ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे जिस टाइप की लड़की चाहिए तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। मैं तुमसे नहीं कर सकता शादी। मगर ऋषभ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब नाटक तुम मेरे सामने मत करो। तुम जैसी लड़की को मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। बोलो पैसा कितना चाहिए? मुझे पैसा नहीं, आपका प्यार चाहिए। ओ प्लीज, ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके सुसाइड मत कर लेना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अजीब लड़की हो, इतना कुछ सुनने के बाद अभी भी खड़ी हो। अजीब इंसान हो, इतना कुछ सुनने के बाद भी यहाँ बैठे हो। What? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? शादी, वो भी तुमसे? कहाँ तुम और कहाँ मैं, एक मामूली सा जूनियर आर्टिस्ट। What? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? शादी, वो भी तुमसे? कहाँ तुम और कहाँ मैं, एक मामूली सा एजेंट। ओ प्लीज, ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके सुसाइड मत कर लेना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज, ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर सुसाइड मत कर लेना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा।